वैसे तो दुनिया में हर साल वाइन फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नागपुर शहर में भी धूमधाम से वाइन फेस्टिवल मनाने की परंपरा वाइन क्लब ने डाली है और इस साल भी वाइन फेस्टिवल जो है नागपुर वाइन क्लब द्वारा 8वां वाइन फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है। तो हम फिलहाल बाहर खड़े हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस साल के वाइन फेस्टिवल में ऐसा क्या खास है। चलिए मेरे साथ और एंजॉय करते हैं नागपुर का ऑरेंज सिटी का वाइन एंड फूड फेस्टिवल। तो चलिए हम एंटर हो चुके हैं वाइन फेस्टिवल में। आपने देखा किस तरह से प्रिकॉशंस ली जा रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि अंदर का माहौल किस तरह से बना हुआ है। धीमी धीमी म्यूज़िक जो है हमें सुनाई दे रही है यहाँ पे। हाँ, अब देख पा रहे हो कि अलग अलग वाइनरीज़ की कंपनी जो है आई है, 9 प्रकार की यहाँ पर वाइनरीज़ कंपनी आई है। साथ ही साथ फूड स्टॉल भी हमें दिखाई दे रहे हैं और लोग भी हमें यहाँ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद जो है इस फेस्टिवल का जो है मज़ा लेने का, नागपुर वासियों को जो है एक मज़ा लेने का एक जो चांस मिला है। तो आप देख पा रहे हो कि धीमी धीमी संगीत भी यहाँ पे सुनाई दे रही है। तो चलिए हम जाते हैं एक वाइन स्टॉल पर और देखते हैं कि क्या खास है इस बार इस वाइन फेस्टिवल में। चलिए सबसे पहले हम आए सुला वाइन, जो है सबसे फेमस सुला है। सबको पता है कि सुला वाइन क्या है। हम जानते हैं कि सुला जो है ये वाइन बहुत ही फेमस है, हर कोई सुला को पहचानता है। क्या बताओगे, ये वाइन फेस्टिवल में आप आए हो, किस तरह की वाइन जो है नागपुर वासियों के लिए आप लाए हो, क्या खास है? देखिए, अपने पास सुला के पास, सुला एक लीडिंग वाइन कंपनी है बेसिकली, और हमारे पास नागपुर वाइन फेस्टिवल में हम ये 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स है जहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और हमारी जो वाइन्स है वो प्रीमियम क्वालिटी वाइन्स हम लोगों ने यहाँ पे आज लाए हैं। जैसे कि स्पार्कलिंग रेंज है, वाइट में हमारे पास वाइन्स है, प्लस रेड है, डेजर्ट वाइन्स भी है। सो आप देख सकते हैं हर जगह, सो वी हैव एंटायर वाइन रेंज। सब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमारे पास सब रेंज के वाइन्स हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 700 प्लस 1000 रुपीज़ के प्लस भी हमारे पास वाइन्स हैं। सो आप जैसे कि देख सकते हो स्पार्कलिंग में हम लोग सेको रोज़ हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। सो दिस इज स्पार्कलिंग रोजे वाइन। उसके अलावा वाइट और रेड, वाइट में शेनन ब्लॉ रिजर्व है और रेड में सतोरी रेड है, जो हम लोग ये रेड वाइन हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं एंड वाइट में शेनन ब्लॉ रिजर्व है। हम दूसरे काउंटर पे आए हैं जो है रियो स्ट्रॉन्ग का काउंटर। हम उनसे जानते हैं, सर क्या बताओगे, हर साल जो है आपके जो है यहाँ पे काउंटर लगता है वाइन फेस्टिवल में, इस बार भी आप क्या नया लेकर आए हो नागपुर वासियों के? अपन ये कह सकते हैं कि इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ से लोगों को वाइन के बारे में बताया जा सकता है कि भाई कि वाइन पीने से आपको क्या बेनिफिट्स हैं, और जनरली वाइन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो इट विल हेल्प कि यहाँ से एक लोगों को एक मैसेज जाता है कि वाइन पीने से हमारे लिए कितना अच्छा है, ये एक मैसेज है और इट्स अ गुड। हमने हर साल एक नए प्रोडक्ट लेके आते हैं तो इस बार भी हमारे पास वाइन्स हैं। रियो स्ट्रॉन्ग इट्स अच्छा, लोगों को फ्लेवर देता है। साथ में हमारे पास कासा ब्लैंका है, अंतरा है, फिजानो है, इट्स अ टाइप ऑफ वाइन है, तो बहुत सारी वैरायटीज़ है हमारे पास, तो लोगों को बहुत पसंद आता है यहाँ पे और हम लोगों की ब्रांड कलेक्शन होता है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। वेल, खास ये है कि हमारा जो ब्रांड है ये फर्स्ट टाइम हम नागपुर में ये इवेंट कर रहे हैं। वी आर विनलैंड विन्यार्ड्स। हमारी जो वाइनरी है वो नासिक में है। हमारे तीन चार ब्रांड्स हैं, सिरक 1000, सिरक सिलेक्ट, जो एकदम यंग वाइब्रेंट वाइन्स है जो कॉकटेल्स में बहुत अच्छी तरह ब्लेंड होते हैं। फिर हमारा एक मिड सेगमेंट है जो विंस रेड जो है शिराज कैबर्ने, और विंस वाइट जो है शेनन ब्लॉ। तो दैट्स एंड देन वी हैव अ प्रीमियम रेंज जो जिसमें एक वाइट और दो रेड है। There is that's under the brand name Disal Wine Collection.
उसमें हमारा जो वाइट है वो शेनन ब्लॉ है, और जो हमारा रेड है वो है शिराज एंड सैंजोवेज़े। और यहाँ की खासियत ये है, एक जैसे कि हमने सिरक के बारे में कहा जो बहुत यंग वाइब्रेंट, ये प्राइस पॉइंट पे ये क्वालिटी एंड प्लस जो कॉकटेल्स के लिए स्पेशली बनाई गई है। और दूसरा है हमारा सैंजोवेज़े, ये जो ग्रेप है ये इंडिया में नहीं बनता है, दिस इज़ एन इटालियन ग्रेप जो हम यहाँ उगा रहे हैं, एंड देर आर ओनली 3 कंपनीज विच आर मेकिंग सैंजोवेज़े एंड वी आर वन ऑफ देम। सो आई होप यू गाइस एंजॉय द वाइन्स, एंजॉय द पार्टी ऑन। हमने तो देखा अभी तक, हमने जो काउंटर लगे हैं उसमें देखा कि कौन सी वाइन्स यहाँ पे है, कौन सी वाइनरी कंपनी यहाँ आई है। अभी जो है नागपुरवासी जो है यहाँ एंजॉय करने आए हैं ये वाइन फेस्टिवल, उनसे जानते हैं कि कैसा लगा सर आपको वाइन फेस्टिवल, क्या बताओगे वाइन फेस्टिवल। पहले तो मैं नागपुर वाइन क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस तरह का ओकेजन अरेंज करके नागपुरियन पब्लिक को एक अच्छी सी चीज़, एक अच्छा सा माहौल दे रहे हैं। जहाँ तक कि यहाँ के वाइन का सवाल है, मैंने अभी तक 3 प्रकार की वाइन टेस्ट कर चुका हूँ, और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि वो वाइन महाराष्ट्र में बनी हुई है और मैं भी एक महाराष्ट्रीयन हूँ। इसलिए मैं वाइन नागपुर वाइन क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल को भी धन्यवाद देने जाऊँगा। धन्यवाद। हमारे साथ जो है आज के जो ये वाइन फेस्टिवल, इसके खास गेस्ट हमारे साथ हैं। मैम क्या बताओगे नागपुर के वाइन फेस्टिवल के बारे में, मुझे लगता है आपने वाइन भी टेस्ट की है, क्या बताओगे फूड फेस्टिवल के बारे में। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होता है हर साल और बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे लोग भी। एक बहुत ही यूनिक चीज है क्योंकि मैंने देखा यंग जनरेशन काफी आने लग गई है अभी वाइन टेस्ट करने के लिए, और ओपनली ये सब शुरू है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद वाइन, इट्स नॉट अल्कोहल, एवरीवन कैन एंजॉय इट, वी आर एंजॉयिंग इट। व्हाट यू वांट टू आस्क, वाइन इज गुड फॉर हेल्थ, ये तो सबको पता है, और शायद आज के जेनरेशन को और ज्यादा पता है, इसलिए आज फूड फॉल ज्यादा करके न्यू जेनरेशन का ही है। थैंक यू। और भी नागपुर वासी हमारे साथ है, जानते हैं उनसे कि क्या बताओगे वाइन फेस्टिवल के बारे में नागपुर में। स्पेशली ये वाइन फेस्टिवल नागपुर वाइन क्लब के द्वारा आयोजित किया जाता है, बहुत सालों बाद, मतलब एक साल गुजर गया है कोविड की वजह से, पिछले साल जो है वाइन फेस्टिवल नहीं हुआ, इस साल हो रहा है, क्या बताओगे क्या खास लगा इस बार। टू बी वेरी फ्रेंक, हम लोग एक्चुअली नागपुर से नहीं है, मैं बेसिकली मैं गोवा से हूँ और ये राजस्थान से है, सो लाइक वी वे वेरी मच सरप्राइज कि नागपुर में भी ऐसे कुछ होता है, क्योंकि हम लास्ट एक साल से है यहाँ, हमने ऐसे कुछ देखा नहीं था। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू पीपल आर ऑर्गेनाइजिंग, और आई नो लाइक कोविड एंड ऑल वो सब है, बट दिस काइंड ऑफ सोशल एनवायरमेंट, सोशल गैदरिंग्स आर वेरी मच नीडेड, शुड हैपन, अदरवाइज क्या होता है कि यू फॉर अस क्या हुआ कि हम लोग जब आए कोविड था, कुछ मिल नहीं रहा था, कोई मतलब हम कोई क्राउड नहीं था, कुछ नहीं था, तो लग रहा था कहाँ आ गए हम लोग, बट नाउ वी फील कि नागपुर में भी कुछ होता है, तो चलो गैदरिंग है, आप चिल करने के लिए कहीं जा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो दैट्स फाइन, दैट्स गुड एक्चुअली। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, सो देखते हैं लाइक एज द इवनिंग गोज कैसे चलता है। आपने बताया गोवा से आप हो, वहाँ तो ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज हो चुकी है ये वाइन फेस्टिवल जो है, वाइन और एंड ऑल जिस तरह से ये माहौल है, तो क्या बताओगे नागपुर में ऐसा देखने मिला है। नागपुर ऑरेंज सिटी के नाम से आप जानते होंगे, लेकिन अब अलग पहचान भी आपने देखी होंगी नागपुर की, इस बार आपको क्या मतलब गोवा का एंजॉय किया होगा आपने फेस्टिवल, नागपुर के वाइन फेस्टिवल ने क्या ऐसा खास लगा, क्या अलग लग रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, गोवा में भी ऐसे ही ग्रेप एस्केपेट करके होता है, सो दे हैव द सेम फॉर्मेट, ऐसे ही वाइन आपका टेस्टर होता है, ऐसे ही होता है, एंड दे हैव अ बैंड, मे बी द बैंड में मोर ऑफ इट इज ऑफ इंग्लिश म्यूजिक, क्योंकि वहाँ के क्राउड को वो पसंद है, बट दिस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि हम तो है देसी, अपने को तो बॉलीवुड पसंद है, बट आई थिंक दिस इज वेरी मच द सेम फॉर्मेट एंड बहुत अच्छा है। सो आई थिंक मे बी होते होते जैसे शाम होगा, हो सकता है कि क्राउड और बढ़ जाएगा, और लोग आएंगे, और मजा आएगा, सो वी आर वेटिंग लाइक। एवरी सिटी हैज इट्स फ्लेवर, ओन फ्लेवर, तो जैसे गोवा का अलग फ्लेवर है, उदयपुर का अगर बोलें तो इट्स सिटी ऑफ लेक्स एंड हेरिटेज एंड पैलेसेस, सिमिलरली यहाँ पे एक और हेरिटेज, एक और मतलब अलग से एक फ्लेवर में देखने को मिलेगा, अलग नागपुर का जो फ्लेवर होता है, सो दैट इज दैट विल बी ऑलवेज डिफरेंट, सो दैट्स या। नागपुर वाइन क्लब द्वारा 8वां जो है फूड एंड वाइन फेस्टिवल जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। हमारे साथ है दीपक खनुजा जी जो कि डायरेक्टर है नागपुर वाइन क्लब के। सर क्या बताओगे इतना अच्छा जो है आपकी ओर से हर साल आयोजन किया जाता है नागपुर वाइन फूड एंड फेस्टिवल
फेस्टिवल का, क्या बताओगे? कोरोना का पिछला साल था तब तो इतने बड़े पैमाने पर ये फेस्टिवल आयोजित नहीं हो पाया था, इस साल जो है ये फेस्टिवल आयोजन किया गया है, क्या बताओगे इस बार के फेस्टिवल के बारे में? हम लोगों ने इसको इनॉग्रेशन किया है और कोविड गाइडलाइंस के तहत ध्यान रखते हुए फिर भी हम लोगों ने बहुत ख्याल रखा है इसका, और वी आर गेटिंग ए गुड पीपल ऑफ नंबर्स हियर, पीपल आर एंजॉयिंग द फेस्टिवल, पीपल आर मेरी मेकिंग, डांस कर रहे, वाइन ले रहे, खाना खा रहे, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। हमारे साथ शरद फडणवीस है जो कि फाउंडर है नागपुर वाइन क्लब के। सर जी, क्या बताओगे इस बार के वाइन फेस्टिवल के बारे में? कोरोना का साया भी है और ये वाइन फेस्टिवल भी आयोजित किया गया है, इतने सारे लोग हमें दिखाई दे रही है, प्रिकॉशंस ली जा रही है और ये वाइन फेस्टिवल है नागपुर में, क्या बताए? और नागपुर की ठंडी भी है, क्या? देखिए, ये लगभग 2 साल के बाद ये पैंडेमिक सिचुएशन से हम लोग थोड़े सवर रहे हैं, और क्योंकि हम सवर रहे एट द सेम टाइम देर इज ए थ्रेट ऑफ अनादर वेरिएंट ऑफ कोविड, तो हम लोगों ने पूरी प्रिकॉशन ली है फेस्टिवल में, हाईलाइट किया है उसको। वी हैव कॉशन ऑल द विजिटर्स दैट दे शुड फॉलो ऑल द नॉर्म्स ऑफ कोविड and protect themselves from infection. तो लोग वो follow कर रहे हैं और हम scrutinize कर रहे हैं, और how can you stop people enjoying? वो तो हक बनता है उनका। तो ये ऐसे एक food और wine festival है, तो वो लोग अच्छी तादाद में आए हैं और वो enjoy भी कर रहे हैं, और इसके पहले भी हम लोगों ने 7 wine festival 2013 से हम लोग आयोजित किए जा रहे हैं, ये 8th इवेंट है, 8th एडिशन है, तो जिसको अच्छा लोगों ने पसंद किया है और अच्छा रिस्पांस दिया है, शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, आपने भी एंजॉय किया होगा कि नागपुर का वाइन एंड फूड फेस्टिवल जो है ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, पूरे फैमिली के लिए वाइन एंड फूड फेस्टिवल है, ये इसकी खासियत है। साथ ही साथ 9 वाइनरीज कंपनी यहाँ आई है, तो आज का दिन तो गुजर चुका है दोस्तों, कल का दिन जो है वो बाकी है, आप आकर इसका जो है लुत्फ उठा सकते हो। तो आइए नागपुर वाइन क्लब द्वारा आयोजित वाइन एंड फूड फेस्टिवल में, आपने तो देखा किस तरह से यहाँ पे लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।